हेलो एवरीवन, कसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक दूंगा वो वेरी इंटरेस्टिंग होगा, वेरी इजी एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस कंसेप्ट से मिनिमम दो क्वेश्चन जेई या नीट के एग्जाम में आएंगे ही, इसलिए इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेना है। वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो हमने बोला था कि टोटल 6 पॉइंट मैं आपको दूंगा, राइट, जिसमें से 3 पॉइंट हम ऑलरेडी पहले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए पॉइंट नंबर 4 की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल फार्मूला है, ध्यान देना, माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस में 0.4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg और इस पूरे को होल ब्रैकेट है इनटू में डेल्टा ओ। व्हाट इज डेल्टा ओ? डेल्टा ओ ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में या तो दे देगा या आंसर इसी के टर्म्स में पूछा जाएगा। नाउ आपको 0.4 0.6 एक फिक्स नंबर है, ध्यान देना, उसके आगे माइनस साइन है, इसके आगे प्लस साइन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2g और Eg में काउंट करके यहाँ पुट कर दोगे, आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगा। आपको मैंने क्लियरली बता रखा है कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल एटम का, उसमें दो कैटेगरी हैं, 3 ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस हैं, 2 ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस है। हमारा जो लिगेंड है वो भी एक्स वाई जेड ऑन द एक्सिस पे है, तो आप ही सोचो कि जब लिगेंड जो कि ऑन द एक्सिस पे हैं और वो दो ऑर्बिटल जो ऑन द एक्सिस वाले हैं उनकी आमने सामने की टक्कर होगी, जिसकी वजह से वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे, तो वो ऊपर चले जाएंगे जब स्प्लिटिंग होगा तो, और वो जो 3 इन बिटवीन द एक्सिस वाले थे उनकी लेटरल टक्कर होगी या कॉलिजन होगा, तो वो नीचे आ जाएंगे एनर्जी में, जिसका नाम T2g रखेंगे, राइट। और वो कौन कौन होंगे? DXY, DYZ, DXZ और ये DX2Y2, DZ2 इजी वाले होंगे, राइट। आपको ये भी बता रखा हूँ कि अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होगा, गैप ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो स्प्लिटिंग या गैप बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वीक फील्ड लिगेंड में ये डेल्टा ओ नॉट की वैल्यू कम होगी, मान लो 200 है तो यहाँ पे हो सकता है कि वो चीज़ 500 के बराबर हो। बात समझ में आ गई? अब T2g में इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है वीक फील्ड में, ये भी आपको बता रखा हूँ कि पहला इलेक्ट्रॉन यहीं पर आएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, पहले सिंगल सिंगल, चौथा गैप कम होने की वजह से ऊपर चला जाएगा Eg में, फिर पांचवा भी Eg में, फिर छठा आपका T2g में, सातवां T2g में, आठवां T2g में, फिर 9-10 Eg में, ये ऐसे भरना है वीक फील्ड में। वीक फील्ड कैसे पहचानेंगे? जिसमें ऑक्सीजन डोनर हो, हेलोजन डोनर हो या सल्फर डोनर हो, राइट। स्ट्रॉन्ग फील्ड कैसे पहचानेंगे? आपको बता रखा हूँ, कार्बन या नाइट्रोजन डोनर हो, चूँकि इसमें एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो वी नो कि पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी T2g में आएगा, दूसरा भी T2g में, तीसरा भी T2g में, सिंगल सिंगल, चौथा इलेक्ट्रॉन अब ऊपर नहीं जा पाएगा, आप ही सोचो, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, उसको एनर्जी चाहिए होगा फिर, तो इसीलिए वो चौथा इलेक्ट्रॉन अब यहीं पर आएगा, जबकि इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर Eg में चला गया था, यही डिफरेंस है। पांचवा भी इसी में आएगा, छठा भी, अब सातवां जब आएगा तो चूंकि यहाँ पूरा फिलअप हो चुका, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए अब सातवां ऊपर जाएगा, आठवां ऊपर ही जाएगा, 9-10 ऊपर भरेंगे, राइट। ये डिफरेंस है, तो आप ध्यान से देखना कि जो डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल है उसको रिफरेंस हमने माना, तो उससे ऊपर प्लस और उससे नीचे माइनस, क्योंकि एक रिफरेंस हो गया, जैसे पोटेंशियल एनर्जी एक रिफरेंस ले तो उससे ऊपर प्लस मानते हो, उससे नीचे माइनस, तो वैसा ही केस है। और ये 0.6 और 0.4 कैसे याद रखेंगे, तो वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन आ सकता है Eg में, इसलिए 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.4 होगा, यहाँ पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2.4 ही लाना है, तो इसलिए 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो जो आपका रेफरेंस लाइन पे एनर्जी है वो जीरो का बैरियर बना रहेगा, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आप ध्यान से समझो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ध्यान से समझ लेना एक एक पॉइंट को। कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड CFSE का 4 ऑप्शन क्रिएट कर देगा, किस में होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्लियरली बता दिया है, आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, उसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो निकालना है, और उसको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है, उसके बाद आपको वैल्यू कैसे निकालना बता दिया। ध्यान देना यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो सिर्फ प्लस साइन से बताना है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है ये भी क्लियर है,
क्योंकि टी टू जी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहले, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना ला सकते हैं हम, 2.4 ये हम ला सकते हैं। और डिपेंडिंग कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे, क्योंकि ई जी में इलेक्ट्रॉन को नहीं ले जाना है। क्यों, ई जी में इलेक्ट्रॉन को ले जाओगे तो वो प्लस होगा और प्लस माइनस कम हो जाएंगे, राइट, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है तो कम हो जाएगा। मैक्सिमम की बात कर रहा है ये, तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखना है किस में टी टू जी में ज़्यादा है, चार ऑप्शन में किस में टी टू जी के ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उसी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू ही पूछ लिया कि भाई चार ऑप्शन दे दिया किस में वैल्यू कितना है, या मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वैल्यू पूछ लेगा तो ये फॉर्मूला लगा करके आपको निकालना है। दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो गैप है डेल्टा ओ नॉट, ये तो क्या हो गया, एनर्जी है, राइट, और एनर्जी विनो क्या होता है, एससी बाय लेमडा। तो कभी कभी आपको ध्यान देना है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर गिवन है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो उसको एससी बाय लेमडा के बराबर कर दोगे तो ये गिवन होगा तो लेमडा पूछ लेगा, और लेमडा गिवन होगा तो ये पूछ सकता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, बस ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप यहाँ से निकाल लोगे, राइट, तो ये सम कांस्टेंट इनटू डेल्टा ओ आएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, राइट। अब सी एफ एस सी दे दिया तो डेल्टा ओ नॉट यहाँ से निकल जाएगा, राइट, या फिर वाइस वर्सा डेल्टा ओ दे दिया तो सी एफ एस सी आ जाएगा। बट ध्यान देना डेल्टा ओ एस सी बाय लेमडा के बराबर है, सी एफ एस सी एस सी बाय लेमडा के बराबर नहीं है, राइट, क्योंकि सी एफ एस सी इज सम कांस्टेंट, जो भी आएगा 2.4 आएगा या फिर जो भी 1.2 आएगा टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ नॉट होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सी एफ एस सी वैल्यू का ऑर्डर बताओ, राइट, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि हमने इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, तो वही फॉर्मूले में देख लो कि वो इलेक्ट्रॉन जो ऐड किया वो कहाँ जा रहा है, टी टू में जा रहा है या ई जी में जा रहा है, या फिर आपका डिक्रीमेंट ऑफ सी एफ एस सी किस में हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया कि ये पांच कंसेप्ट को वो यूज कर सकता है वाया यूजिंग दिस मेथड। नाउ इस कंसेप्ट पे बेस एक प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि मान लो ये चार ऑप्शन दे दिया और आपसे पूछा जा रहा हो कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड सी एफ एस सी का किस में होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, टाइटेनियम आपका प्लस थ्री में, क्रोमियम भी प्लस थ्री में, मैग्नीज भी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन भी प्लस थ्री में, क्यों, क्योंकि वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना है, उसके बाद डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टाइटेनियम में डी में 1 हो जाएगा, राइट, क्रोमियम में डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैग्नीज में डी में आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि एस से 2 जाएंगे और डी से 1 जाएंगे, राइट, तो डी में 4 बचेगा, आयरन डी 6 है, एस से 2 जाएंगे और डी से 1 जाएगा तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ध्यान से देखो, वाटर क्या मेरा वीक फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ये वाली होगी, अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो 1, 2, 3 यहाँ पे होंगे, यहाँ पे ध्यान दो 4 इलेक्ट्रॉन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और यहाँ जाने की वजह से ये प्लस होंगे और इधर माइनस, तो वैल्यू डिक्रीज होगी। और वैसे ही ये 5 है इसमें, तो यहाँ पे 5वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो अगेन ये प्लस है और ये माइनस, तो वैल्यू और भी डिक्रीज होगी। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो किस में आने वाला है, डी 3 में, क्यों, क्योंकि 3 होंगे तो 3 टाइम्स ऑफ 0.4 डेट इज 1.2, और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो प्लस ले लेंगे, राइट, लेकिन डी 4 लोगे तो 1.2 माइनस में प्लस 0.6, तो क्या हो जाएगा 0.6, तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए, क्रोमियम H2O6 प्लस 3। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, या वैल्यू पूछ ले तो बता सकते हो, अभी आपको भर के बताया, या फिर इस टाइप से वैल्यू दे दे तो किसी एक का दूसरे से पूछ सकता रिलेशन, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरा इसका एप्लीकेशन कैसे ले सकता है वो, तो वी नो कि जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, राइट, जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा तो ई इज इक्वल टू क्या है, एच सी बाय लेमडा, तो लेमडा उतना कम होगा। तो वही पॉइंट हमने लिखा है कि अगर एनर्जी बढ़ा, डैट मीन्स गैप बढ़ा, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जा सकते हैं ध्यान से देखो, पॉइंट 1 चार ऑप्शन दे देगा, विच कैन शो कलर, तो कलर कौन शो कर सकता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही कलर शो कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का यही कंसेप्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डैट मीन्स पैरा मैग्नेटिक स्पीसीज आपको देखना है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेमडा एब्जॉर्ब का आप ऑर्डर बताओ, इस टाइप का, तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वेरी सिंपल, ध्यान से देखो, चूंकि जितना ज़्यादा एनर्जी का गैप होगा लेमडा उतना
कम होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो लेमडा को कम होना पड़ेगा क्योंकि वो डिवाइड में, राइट। तो इसलिए अगर लेमडा एब्जॉर्ब का अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिगेंड देखो कौन सा है। स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड होंगे तो एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा, एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। तो इसलिए यहाँ से कैसे आप करेंगे, तो विनो विवग्योर सभी को मालूम है इस साइड में रेड कलर के साइड में आपका वेवलेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप देख लो अगर स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है तो एनर्जी गैप ज़्यादा मतलब वेवलेंथ कम, तो मतलब इधर वाला कोई होगा एब्जॉर्ब वेवलेंथ, राइट। और अगर मान लो एनर्जी कम है तो डेट मीन्स वेवलेंथ ज़्यादा तो इधर वाला कोई होगा। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि लिगेंड कैसा है वहाँ पे। स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड होगा तो इधर वाले होंगे, वीक फील लिगेंड होगा तो इधर वाले होंगे। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में लेमडा इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे स्ट्रॉन्ग वही पॉइंट लिखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड इंक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा और वेवलेंथ डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट इंटेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना ज़्यादा इंटेंसिटी, तो इसी से आप कनेक्ट कर लोगे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो एनर्जी ज़्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगा तो इंटेंसिटी भी उस कलर का कम होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो एनर्जी कम होगा, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से देखो कंसेप्ट ये रहेंगे लेकिन पूछने के तरीके चेंज हो सकते हैं। जैसे इसको भी मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपका क्लियर करता हूँ कि मान लो आपको ये दे दिया और पूछा जाए कि इन दोनों में कौन ज़्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अमोनिया नाइट्रोजन डोनर है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पे क्लोरीन हैलोजन डोनर है तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से इसका क्या हो गया, एनर्जी कम, स्प्लिटिंग वाला, राइट, ये वाला कम हो गया तो वेवलेंथ क्या हो गया ज़्यादा, तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, इसकी ज़्यादा रहेगी क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है तो आई मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड तो एनर्जी ज़्यादा हो गया, कौन वाला, ये वाला गैप, तो एनर्जी ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ कम इंटेंसिटी भी कम। तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में किसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, तो देखो ये ऑप्शन हो जाएंगे, वेवलेंथ एब्जॉर्ब का ऑर्डर बताओ तो फिर वेवलेंथ इसका ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि एनर्जी कम है। इस टाइप से पूछा जा सकता है, एनर्जी का ऑर्डर बताओ तो एनर्जी में फिर ये हो जाएंगे। तो मेरी बात को समझे, तो मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया कि वो कहाँ तक जा सकता है। एक तरीके से मैंने ऑपरेशन कर दिया इस कॉन्सेप्ट का कि ये एक कॉन्सेप्ट है उसको कितने डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है, और इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं जिसको आप बहुत ईजिली कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, क्या आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को कैसे याद रखेंगे उसके सीरियल ऑर्डर से। तो ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको बताया था कि नाइट्रोजन या कार्बन डोनर वाले होंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर है, पाइरीडीन में अगेन नाइट्रोजन डोनर है, डाई पाइरीडीन में भी नाइट्रोजन डोनर है और ये बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, नाइट्रो में नाइट्रोजन डोनर है, साइनाइड में आपका आइदर कार्बन या नाइट्रोजन डोनर है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल में भी आपका कार्बन डोनर है। तो इसलिए इसको उसके ऑर्डर में ही लिखा हूं, और वैसे भी याद रखना आपको तो इसके लिए निमोनिक्स है, डेट इज़ वेरी सिंपल, अमोनिया पाइरीडीन इन डीपी जो हम लगाते हैं, तो अमोनिया पाइरीडीन इन डीपी नाइट्रो सुनने को रेडी नहीं। तो इस राइमिंग वर्ड्स आप याद रख सकते हो कि जब आपने अमोनिया पाइरीडीन को डीपी में लगा लोगे तो नाइट्रो सुनने को रेडी नहीं, तो ये उस ऑर्डर में याद हो जाएंगे। डेट मीन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का गैप आएगा वो CO में कार्बोनिल में आएगा, फिर उससे कम CN में एंड सो ऑन। बट ध्यान रहे कि ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेट मीन्स एक एनर्जी का गैप तो ज़्यादा होगा ही, फिर उसमें भी बात हो रही है तो और बढ़ते जाएंगे, बट दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसमें इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, चौथा भी T2G में ही जाएगा, ये ध्यान रखना है। वीक फील्ड को कैसे याद रखेंगे, सेम उसी तरीके से, तो हैलोजन वीक फील्ड लिगेंड है, उसमें भी वैसा ही ऑर्डर है, I से ज़्यादा BR, BR से ज़्यादा CL, CL से ज़्यादा F फील्ड की स्ट्रेंथ, फिर OH माइनस, फिर ऑक्सीलेट जिस पे -2 चार्ज होता है, बाइडेंटेड लिगेंड, और फिर वाटर। तो कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल, हेलो हैलोजन से हेलो ऑल, अल्कोहल का ऑल, हेलो ऑल ऑक्स को वाटर पिलाओ। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, चार ही हैं, हेलो ऑल ऑक्स को वाटर पिलाओ। इन सब में ध्यान से देखो तो हैलोजन या ऑक्सीजन डोनर है। तो ये याद रखने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको चार ऑप्शन गिवन है, किस में ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, किसका
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, तो इसको ध्यान में रखना है, राइट। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट, जिसमें एक पॉइंट और है कि सेंट्रल मेटल एटम अगर 4D सीरीज का या 5D सीरीज का हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो, 6 हो 4 हो, डजन मैटर, इस पॉइंट पे ध्यान देना। अगर सेंट्रल मेटल एटम 4D या 5D सीरीज का है, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो, जितने भी लिगेंड है सब के सब को क्या ट्रीट करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, फिर ये सब कहानी खत्म। ये कहानी कब तक है, जब तक आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है तभी ये सोचना है आपको, अदरवाइज 4D 5D सीरीज का है तो सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। फॉर एग्जाम्पल PT आपका नहीं पढ़ोगे पिटोगे, तो ये हो गया आपका 5D सीरीज का, इसलिए ये नहीं कि CL है तो वीक फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अकॉर्डिंग आपको थिंक करना है। वैसे यहाँ पे PT है, फिर CL है, वीक फील्ड नहीं, फिर आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड के अकॉर्डिंग थिंक करना है। फिर यहाँ पे PT, बाय द वे यहाँ पे तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड ही है, तो एनी हाउ कहने का ये मतलब होगा कि 4D 5D सीरीज का अगर सेंट्रल मेटल दिख गया आपको तो सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6 कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर आपका कोबाल्ट +3 में है और लिगेंड ऑक्सलेट या वाटर है, वैसे ही आपका सेंट्रल मेटल एटम आयरन +2 में है या मैग्नीज +2 में और लिगेंड अमोनिया है, निकेल +4 में है और लिगेंड फ्लोराइड है, ध्यान देना बस यही होंगे तो इन सब में एक्सेप्शन है, डैट मीन्स वीनो की ये वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन काम किसका करेंगे यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फील्ड का, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग का करेगा, स्ट्रॉन्ग वीक का, क्योंकि एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन इतने ही है, इतने ही ध्यान रखना है। वैसे अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्योंकि नाइट्रोजन डोनर है, बट इन दोनों के केस में वीक फील्ड का काम करता है। वैसे ही फ्लोरीन एक वीक फील्ड है, लेकिन निकेल +4 में होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का काम करेगा। तो अगेन कैसे याद रखेंगे, तो रफी सर का सिंपल ट्रिक्स निमोनिक्स उसके लिए वेरी सिंपल है, ऑक्स को वाटर से इज ए कनेक्टिंग वर्ड, ऑक्स को वाटर से नहाओ, NH3 से हमने बना लिया नहाओ, फिर मैं Fe से फिर, MN से मैं, और NIF में T लगा दिया, जैसे निफ्ट होता है राइट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो जस्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्शन के लिए, फिर मैं निफ्ट करता हूँ इज ए कनेक्टिंग वर्ड। तो निमोनिक्स वेरी सिंपल है, ऑक्स को वाटर से नहाओ और जो नहाएगा ऑब्वियस बात है उसको पेमेंट देना पड़ेगा, तो फिर मैं निफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि देखो ऑक्स को वाटर, इसमें टोटल 3 है, 3 टर्म है, इसलिए कोबाल्ट पे +3 चार्ज होना चाहिए, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3 में है, ऑक्सिलेट जो कि एक वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन आपको इसका कुछ भी बताना होगा तो आपको क्या मानना है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे कोबाल्ट +3 में क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, तो वाटर एक वीक फील्ड है, लेकिन एक्सेप्शन होने की वजह से आपको जो भी बताना है इसका वो SFL के अकॉर्डिंग थिंक करके आपको बताना है। बस समझ में आ गई, तो ऑक्स को वाटर में टोटल 3 टर्म, उससे हमने कनेक्ट कर दिया कि कोबाल्ट पे +3 चार्ज होगा और ऑक्सिलेट वाटर जो कि वीक फील्ड है, चूंकि हमारा एक्सेप्शन का पॉइंट चल रहा है तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड मानना है। सिमिलरली फिर मैं निफ्ट, तो नहाओ में ध्यान से देखो कितने वर्ड हैं, टोटल अमोनिया में 4 हैं लेटर राइट, AN3H, तो इसलिए 4+ को 2 यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, +2+2 ऐसे कनेक्ट किया। तो नहाओ फिर मैं, तो आयरन +2 MN+2, चूंकि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो ये आयरन का ही +2 हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रल है ये, और ये MN का +2, तो आयरन +2 में मैग्नीज +2 में हो, अमोनिया लिगेंड हो, तो वीनो की अमोनिया स्ट्रॉन्ग है बट यहाँ पे वो वीक फील्ड का काम करेगा, तो आपको वीक फील्ड के अकॉर्डिंग थिंक करके उसका आंसर देना है कि T2G में कितना इलेक्ट्रॉन होगा या हाइब्रिडेशन क्या होगा एटसेट्रा एटसेट्रा। और सिमिलरली निकेल अगर +4 में है तो ध्यान देना निफ्ट में कितना वर्ड आ रहा है, 4 वर्ड, इसलिए उससे कनेक्ट किया हमने +4 को। ध्यान से देखो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी जोर दिया, वही ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, वही लिगेंड होना चाहिए, ये सब ध्यान में रखना है, और वही सेंट्रल मेटल एटम भी होना चाहिए। तो निफ्ट में 4 वर्ड आया इसलिए निकेल +4 में होना चाहिए, और फ्लोरीन जो कि एक वीक फील्ड है बट यहाँ पे किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड का। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट That is again very important, कई बार मैंने इस बात पे जोर दिया कि चूंकि 99% हमारा क्वेश्चन 3D सीरीज से ही रहता है, सेंट्रल मेटल एटम 3D का रहता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, उसके लिए सिंपल सा मैंने ट्रिक लेकर आया, क्योंकि ये आपको निमोनिक से याद करवा रखा हूँ, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नया कप जीतेगा,
और 21 से एटॉमिक नंबर स्टार्ट हुआ, एंड होगा 30 पे, 21 से 30 का काउंट सबको आता है। तो अगर ये मेटेलिक फॉर्म में कोई चार्ज नहीं है अगर, तो एलिमेंटल फॉर्म में है, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उस मेटल का, उसको सिंपल हमने कनेक्ट कर दिया है कि 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो 20 से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो सब डी के इलेक्ट्रॉन है ऐसा मान लो। तो 20 से ज़्यादा कितना हो गया 1, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन। 22 में 20 से दो ज़्यादा है तो डी में दो इलेक्ट्रॉन, डी में 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कुकर वर्ड आपको दिया था, या फिर आप ऐसे भी कनेक्ट करना, जहाँ पे भी डी में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको 5 कर देना, क्योंकि 4 से 5 होना चाहेगा वो, क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, राइट। अगर इन चारों में भरे हुए हैं तो पाँचवा भी भरने की कोशिश करेगा ताकि वो हाफ फील्ड हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे बस ध्यान देना आपको, यहाँ पे 25, 20 से 5 ज़्यादा तो डी में 5, 26, 6 ज़्यादा तो डी में 6, एकदम कनेक्शन है बेटा। 7 तो डी में 7, 8 तो डी में 8, अब यहाँ पे 9 तो 9 वाला 10 होना चाहिएगा, ड्यू टू फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, कुकर वर्ड से याद करवा रखा हूँ तो इसलिए 10, और यहाँ पे 20 से 10 ज़्यादा है तो 10। तो ये झंझट पहले ख़त्म हो गया कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 21 से स्टार्ट हो रहा है, 20 से जितना ज़्यादा उतना डी में इलेक्ट्रॉन। एंड अगर उसी मेटल के आयंस में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो पता लगाना हो, तो वो भी वेरी सिंपल है, उसके लिए भी सिंपल ट्रिक रफी सर ने आपको दिया है। ध्यान से देखो, उसी मेटल के आयंस में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उसके डी में से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए उसके लिए ट्रिक है कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट उस सेंट्रल मेटल एटम का, या उस डी ब्लॉक वाले एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, उसमें से -2 कर दो, राइट। तो ये जितना भी आएगा, मान लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज करते हैं 4 है, -2 किया तो 2, तो 2 आने का मतलब कि आपको उसके डी से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बचेगा वही डी में इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंगनीज +3 में, वेरी सिंपल, तो आपको क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो मतलब डी में से 1 इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना है। इसके मैंगनीज के डी में कितना था 5, तो 5 में से 1 गया तो 4, तो डी में कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया उसका। सिमिलरली जैसे आयरन +3 में, तो 3 - 2, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है वो बता दिया, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। आयरन 26, डी में 6 था, 1 गया तो डी में कितना हो जाएगा 5, वेरी सिंपल। ध्यान से देखो, निकेल +2, राइट, तो +2 है तो आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट -2, डेट मीन्स 0, मतलब डी में से 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। तो निकेल में डी में कितना था 8, तो 8 ही रहने देना। मेरी बात को समझे, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को आप इस 2 वीडियो लेक्चर के थ्रू इजीली कर लोगे, तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, एंड हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। थैंक यू।